अंतिम काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ गीतों के कलश श्रद्धे नरेंद्र गरल जी के लिए इन चार पंक्तियों के साथ कि सफर की धूप को खुशबू से बांध लेता है, सफर की धूप को खुशबू से बांध लेता है, वतन की खाक को बाजू से बांध लेता है, वो सब उसके सामने गर्दन झुकाए रहते हैं, वो सारे शहर को जादू से बांध लेता है। जोरदार तालियां स्वागत करें आदरणीय नरेंद्र गरल जी। श्रद्धेय अध्यक्ष जी, महंत मटुमल शर्मा जी, मंच पर आसीन रचना के धर्म को निभाने वाले मेरे कवि बंधु, और आज की शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम में कविता में रुचि रखने वाले रसिक श्रोताओं, अधिक कुछ कहने की गुंजाइश नहीं बची है, समय भी नहीं बचा है। मुझे जो कहना था वो मैंने आरंभ में निवेदन कर दिया है, फिर भी मैं एक बहुत छोटी सी गजल से अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करता हूं, और उसके बाद इस कवि सम्मेलन की पूर्णता होगी और सौरभ जी और अध्यक्ष जी जैसा बताएंगे वह कार्यक्रम संपन्न होगा राष्ट्रगान के साथ। आज का ये कार्यक्रम एक शाम शहीदों के नाम, श्री कंचन ओझा, श्री राजन शर्मा, श्री अमित उपाध्याय और श्री राकेश ने मिलकर के आयोजित किया। हमें हर्ष इस बात का है कि पिछली वर्ष से जो परंपरा डाली गई उस परंपरा का निर्वाह हो रहा है और दूसरा कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया गया, काव्य के माध्यम से शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। मैं एक बहुत छोटी सी गजल आपकी सेवा में प्रस्तुत किए देता हूं, आशा है कि आप उसके शब्दों के साथ और अर्थों के साथ यात्रा करेंगे तो मेरा काव्य पाठ सार्थक होगा। संदर्भ छोड़ भाई, ये योगेंद्र मोदगिल जी से भेंट हो रही है। मैं रचनाएं आपकी एक प्रयास नाम की पत्रिका है और अन्य पत्रिकाओं में भी बड़े ध्यान से बड़े मनोयोग से पढ़ता हूं। आपने भी गजल सुनाई और दो एक शेर तो बड़े मार्मिक आप कहे गए। मैं हिंदी भाषा के माध्यम से ये गजल, थोड़ी क्लिष्ट कहीं लग सकती है आपको लेकिन आनंद आएगा, मैं निवेदन कर देता हूं, उसमें सारी बातें आ जाएंगी आज के कार्यक्रम से संबंधित और गजलों की पूरी झांकी उस गजल में आपको मिलेगी। रोहित अब सुन लो, दो चार पंक्तियां सुन लो बस। स्वागत। संदर्भ छोड़ के अब, संदर्भ छोड़ के अब मंतव्य बाँचता हूँ, संदर्भ छोड़ के अब, संदर्भ छोड़ कर अब मंतव्य बाँचता हूँ, पथ को प्रणाम करके गंतव्य बाँचता हूँ, पथ को प्रणाम करके गंतव्य बाँचता हूँ, संदर्भ छोड़ कर। शेर सुनिएगा, स्वागत है। गोमुख निवासिनी है, गोमुख निवासिनी है, जलधार मेदिनी की, गोमुख निवासिनी है, जलधार मेदिनी की, जिसका प्रवाह अविरल वो द्रव्य बाँचता हूँ, जिसका प्रवाह अविरल वो द्रव्य बाँचता हूँ,